दरख्त पर बैठा हुआ परिंदा कभी शाख के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका एतमाद शाख की मजबूती पर नहीं अपने परों की मजबूती पर होता है। इसलिए जिंदगी में सहारे ढूंढने की बजाय उस परिंदे की तरह खुद पर एतमाद करना सीखो, क्योंकि सहारा तो एक दिन टूट जाएगा, लेकिन आपका खुद पर एतमाद आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपके रास्ते में किस तरह की मुश्किलात आएंगी ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन उन मुश्किलात से निकलना कैसे है ये आप ही को तय करना है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मैं जानता हूं कि मैं आसमान का तारा नहीं हूं, सफर मुश्किल है कठिन है पर बेचारा नहीं हूं। गिरता देखकर मुझको हंसते हैं जो हंसने दो, मेरे हौसले बुलंद हैं मैं फिर उठ जाऊंगा। मुश्किल है मंजिल मेरी पर मैं हारा नहीं हूं। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से ना घबराओ, क्योंकि मुश्किलें तो हमेशा काबिल लोगों के रास्ते में आती हैं, बेकार लोगों से तो वो अक्सर कतरा कर गुजर जाती हैं। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आ जा हम तुझे गुजारेंगे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में भी छाला होगा। बिना ठोकर के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। दोस्तों, परिंदा जब उड़ने की ठान ले तो हवा को भी रास्ता देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, करो जो तुम कर सकते हो, और तब तक करो जब तक तुम कर सकते हो, और जब तुम थक जाओ, जब तुम ना कर सको, तो एक बार और ट्राई जरूर करना। जिंदगी में कभी भी हिम्मत ना हारना, हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। हमेशा याद रखना कि गिरना अहम नहीं है, गिरकर उठना अहम है। अहम ये नहीं कि आप कितनी बार गिरते हो, अहम ये है कि आप उठने में कितनी देर लगाते हो। जो 100 बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है उसे कौन गिराएगा, और जो कभी हार नहीं मानता उसे कौन हराएगा। अगर तुम वो काम करोगे जो आसान है तो तुम्हारी जिंदगी जरूर मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुम वो काम करोगे जो मुश्किल है तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी।